अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं जाना की टीम आप उस जगह पे मौजूद है जिसका हमने आपसे जिक्र किया है और हमने आपको एक फुटेज भी दिखाई है। बेसिकली इस जो जगह के इस प्लाजे के जो एक लैंड लॉर्ड है हामिद साहब, जिन्होंने हमें अप्रोच किया था, वो खुद तो अब यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन उनकी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इनके साथ जो हैपनिंग्स हुई है यहाँ पे, जो भी मामला हुए हैं, जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई है, उन्हीं की जुबानी हम जो है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम है। यहाँ पे आए हुए अभी 2 महीने हुए हैं, ज्यादा नहीं। तो हामिद साहब जो के हमारे लैंडलॉर्ड हैं, तो हमने उनसे रब्ता किया था कि मोस्टली एक्टिविटी क्या होती है कि जब ये सारे चले जाते हैं रात को, मैं ज्यादातर अकेला यहाँ पे रहता हूँ, तो बाज़ूकात ऐसे होता था कि जब मैं सोया होता था ना, तो मुझे बाज़ूकात फील हुआ है जैसे कि कोई पास से गुजर गया। जैसे ऐसे नहीं, अगर स्पीड से कोई पास से गुजरा तो ऐसे मुझे फील होता था, मैं उठ के देख रहा हूँ कोई चीज़ नहीं है। और उसके बाद 1-2 दिन ऐसे, मतलब कि ऐसा सेंसेशन आती है कि जैसे वो पास से गुजर रहा है। तो मैंने कहा नॉर्मल है, वैसे खिड़की खुली होती थी, ठीक है। तो 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं लेटा हुआ, तो किसी ने ना चादर खींची ऊपर से, ठीक है। मैंने ऊपर लिया कि कोई खींच रहा है, तो मैंने उठ के देखा, मैंने हमने ना पहले बिल्ली रखी, तो मुझे लगा कि शायद वो सोफे के दूसरी तरफ से खींच रही है। मैंने उठ के देखा, बिल्ली भी नहीं, वो कमरे में थी। और मैं फिर सो गया, मुझे लगा नॉर्मल ही होगा। तो 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं लेटा हुआ, तो मुझे मेरे ना ऊपर जैसे किसी ने आके दुबा नहीं लिया था, ऐसे मुझे किसी ने दुबा, मैं पूरे होश में आके, मेरी आंखें खुली हुई, मैं नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन कोई है नहीं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ छूटने की, तो मुझसे छूटा भी नहीं जा रहा। ऐसे काफ़ी देर ऐसे चलता रहा। मैंने फिर मैं उठा हूँ, मैंने मोइस को कॉल किया। मोइस मीन्स के मेरे दोस्त ही है, तो वो भी यहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं हमारे साथ। तो मैंने उसको कॉल किया, तो उसने मुझे कहा कि चलो तुम सो जाओ, सुबह बात करते हैं। तो फिर हमने लैंडलॉर्ड से बात की, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही आपको फील हुआ। हमने कहा चलो ठीक है, शायद नॉर्मल होगा। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि 1-2 दफ़ा मैं सोया हूँ, तो ऐसे लाइट ऑन ऑफ हो जा रही है खुद ही। मैंने उठ के देखा, फिर नॉर्मल। और फिर उसी में लाइट ऑन है, मैंने ऑफ की है, फिर वॉशरूम में शावर चल गया। मैंने वॉशरूम में जाके देखा, शावर चल रहा है, मैं बंद करके वापस आया हूँ, फिर से चलने लग गया। अभी थोड़ी देर पहले जो एक फोटेज दिखाई है, ये बच्चा वहां पर मौजूद है, इसकी जुबानी सुनते हैं कि इसके साथ वहां पर क्या हैपनिंग होती है। जी भैया जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस है। तो जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर काम करते हैं। फुटेज आपने देखी थी, मैं उसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। असल में हुआ ये था कि हम सारे ना लेट नाइट थी, तो सारे बैठ कर ना काम वगैरह कर रहे थे, थोड़ा काम रह गया था, कोई इतने ज़्यादा बंदे नहीं थे, हम कम ही थे। तो होता असल में ये है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मुझे पहले आवाज़ आती है, मतलब नॉर्मल आवाज़ गूंजी है, इतना कोई अब देखा नहीं। हम किस चीज़ की, कोई हमारे पीछे से भाग के गया है, ऐसे आ रहा है। वो अक्सर हो जाता था, हमने इस बात को ना इतना लिया नहीं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो भाग के ना वॉशरूम वाली साइड पे गया है। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल देखा ये भी कुछ, मैं अपना काम करना शुरू हो गया। उसके बाद डोर खुले, वो सीधा ही गया है। मैंने देखा, मैं कहा शुरू वॉशरूम गया, पीछे मैंने देखा कुछ नहीं था। तो मैं उठ के गया, मैंने चेक शूट किया, वॉशरूम का दरवाज़ा देखा, बंद करके आगे काम करने लग पड़ा। एक चेयर थी वहाँ पे, वो बहुत ज़ोर से पीछे किसी ने ऐसे लगे खींचा है, तो वो जितनी प्रेशर से आई है ना, उसको देख के फिर हमसे रुका नहीं गया, हम यहाँ से भागे। अच्छा, उसके बाद से लेकर के आज तक ये ऑफिस बंद पड़ा हुआ। ये फुटेज जो है ना लास्ट वीक की है, और जब से मीन्स के ये फुटेज, ये एक्चुअली फुटेज तो हमने जो कैमरा ना बाद में लगवाया था, पहले तो एक्टिविटीज होती नहीं है ना। तो फिर हमने हामिद भाई से कहा, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि पहले आप मुझे बेसिकली, मैं एक और चीज क्लियर करता चलूँ, जो हामिद भाई हैं वो यहाँ के लैंड लॉर्ड हैं और वो इस चीज़ को डिनाई करते रहे। फिर इन लोगों के कहने पर उन्होंने वहाँ पे फुटेजेस लगवाए हैं, यानी कि सीसी फुटेज की फुटेजेस जो होती हैं वो लगाए हैं कैमरे की, उस चीज़ को देखा जा सके कि जो कह रहे हैं उस पर कहाँ तक सच्चाई। अच्छा, ये तो वो बातें थी जो ये भाइयों ने हमें बताई हैं, लेकिन जो हामिद भाई ने हमें खुल के बात बताई थी, पहले वो इस चीज़ को एडमिट नहीं कर रहे थे, उन्होंने हमें सिर्फ फुटेज भेजी, लेकिन जब हमने उन्हें थोड़ा सा कुरेदने की कोशिश की है, तो उन्होंने एडमिट किया है कि यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर मर्डर अटैम्प्ट टाइप की हुई। ये पीछे ये दरवाजा है उनके ऑफिस का, बाकी चल के देखते हैं। ये है वो जगह, ये है जी, तो देखने में कितनी पुरसुकून और वो लग रही है।
जैसे कि ऑफिस ही है तो बता रहे थे सब कुछ पैसे का पैसा और पड़ा हुआ तो जिन लोग यहाँ पे करते क्या है ये कोई ऑफिस है ना उमर ये वो कमरा लग रहा है मुझे जिसकी कोटेशन में आई थी हाँ मेरा ख्याल है कि वो इनकम यार इस कमरे में कुछ शायद उमर ओवरऑल ही गर्मी और एक मतलब सांस में बादल हाँ मेरा ख्याल है ये वाकई में वही वाला कमरा है हाँ फुटेज में वो जो हम देख रहे थे यार हल्की फुल्की आवाजें तो हमने यहाँ जैसे वो लड़के भी बता रहे थे तो हमने लाइट क्यों जला के देखी लाइट्स का तरफ है लाइट के स्विच देखो स्विच हाँ वो है लाइट है लाइट तो यहाँ पे यार यहाँ पे भी लाइट तो है स्विच वगैरह देखो ये है मेरा ख्याल यार यहाँ पे स्मेल कितनी अजीब आ रही है इस रूम में यार इस कमरे में स्मेल बहुत ज्यादा है मेरा ख्याल है वो जो बता रहे थे ना वो जो रूम है वो मेरे ख्याल सात वाला हाँ मेरा भी ख्याल है कि दो वाला रूम सात वाला उसको विजिट कर वो उसकी नहीं लेकिन एक चीज ये जो हॉल है ना ये मुझे पुरसकून लग रहा है कमरे में दहशत है अजीब सा कुछ मुझे लग रहा है इन दोनों कमरों में हिसाब किताब है वैसे तो इस पूरी बिल्डिंग में वो कहते हैं जनाब कि उनके लिए रहना सरार है चलो अभी थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं ना अभी तो वो कब का बता रहे थे हमने हफ्ता हो गया हो गया देखे ना अभी ये जो भी चीजें हैं वैसी की वैसी पड़ी हुई है ये गंद खाने की चीजें
ये किसी की आवाज है? ये तो नहीं, ये गिरा है। उमर इसी कमरे में जो है ना, मुझे लग रहा है यार हल्की फुल्की जो थी ना खड़खड़ाहट टोन है यहाँ पे, देखिए वो चीजें तो हमें एंटर होते ही पता चल गया था। हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए, देखिए अभी तक कोई ऐसी चीज तो हमें मौजूद नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे जो वो एक स्मेल और वो सब कुछ जो होता है ना, वो ऐसा रहा तो है। एक हल्की फुल्की थी ना, वो है डिस्टॉर्शन टाइप की नॉइज ना। ये कैसे गिरा नीचे? हाँ मतलब एक हल्की फुल्की गिरा ये ही। हाँ देखे ना इस तरह की आवाज थी, पढ़ना चाहिए था इसके साथ, तो कोई चीज नहीं लॉस्ट है, ये उसके बाद ही गिरा। उम्र वैसे आप क्या सोचते हैं, ये प्लाजा बनने से पहले कुछ यहाँ पे होंगे भी? दरख्त ऐसा जो चीजें होती है ना, ये मतलब बहुत पुरानी होती है। ये एक जगह तो आबाद होने से, इंसानों के आबाद होने से पहले की चीजें होती है। और मुझे भी ये चीज फील हो रही है कि अक्सर होता है कुछ ऐसा उनका कुछ बसेरा या कुछ ऐसा कोई चीज थी। मैं जैसे एक छोटी सी मिसाल दूं, जब इंडिया और पाकिस्तान की सेपरेशन हुई है ना, तो यहाँ के हिंदू, मतलब बहुत सारे हिंदुओं की तादाद ऐसी है जिन्होंने यहाँ पे रहना पसंद किया था कि हम लोग अपना वतन छोड़ के नहीं जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह बहुत स्मेल आ रही है मेरे से। क्या कह रहे हैं हम इसी तरह से? बिल्कुल ऐसे ही ना, ये जो चीजों का बसेरा जिन जगहों पे होता है, फिर वहां पे इंसान आके रहना शुरू कर देते हैं, वो चीजें भी जिद पकड़ लेती हैं कि भाई ये हमारी जगह है, हम लोग ये छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मुझे भी ये इस प्लाजे का ना यही केस लग रहा है। ये देखा 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 यार, इसी कमरे में है जो मामला है। इस कमरे की लाइट लाइट्स यार मुझे लग रहा है कि ये शायद उमर इसी कमरे में ही जो है ना ज्यादा। ये अभी किस चीज की आवाज, बड़ी तेज आवाज? ये मुझे लग रहा है कि कुर्सियों में से कोई चीज गिरी। ये बड़ी ऊंची आवाज थी। देखिए हम होते तो हसार में, ये हमारा बिगाड़ तो कुछ नहीं सकते। ये कि इस स्मेल ने जो है ना सर में दर्द कर दी। स्मेल आ रही है इस रूम में से। सही है, मेन कमरा भी यही था। वो भी पर सही कह रहा था। क्या नाम था? गुलफाम। गुलफाम वो कहता है कि मैं यहाँ रहता था और मेरे साथ अक्सर किसी ने जनाब मुझे सोते पे तंग किया है। जैसे वो कह रहे थे बिल्ली पाली हुई थी उन्होंने पहले, और वो समझता था वो मेरी कैट है, लेकिन वो होता कोई और। ये साथ वाले कमरे में से जो स्मेल आ रही है, बिल्ली की वजह से तो नहीं आ रही? बिल्ली की स्मेल आपको पता है वो टाइप की होती है, ये स्मेल एकदम दिमाग पे चढ़ रही, पैरानॉर्मल टाइप सी है स्मेल।
करके ये हिली है ना अभी, ये हिली यार, ये हिली है यार अभी, मैंने इसको देखा है, ये कैमरे में भी आया होगा उमर, आया ये हिला है अभी, क्या मैंने देखा मैंने हिलते देखा यार। यार ये कैसे लिया यार, ये तो उमर यहाँ से नजरों के सामने है कि वो लड़का जो भी चीजें बता रहा है वो 110% सच है। ड्रीम के अंदर भी कोई तस्वीर कोई स्पेशियस किस्म की नहीं है, मतलब एक ऑर्डिनरी सा वो है ड्रीम, लेकिन इसके ऊपर अगरबत्ती लगी हुई थी। हाँ इसके ऊपर एक छोटी सी अगरबत्ती लगी हुई थी, ये लाइन भी उसी की है। हाथ ना लगा यार, और मेरा ख्याल है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन काफी हद तक जो है वो कंप्लीट हो गई है, मेरा ख्याल है फिर हमें चलना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये कहां से गई है, ये तो लग रहा है ऊपर से गिरी है। ये दरवाजा खुला हुआ था पहले, दरवाजा तो खुला हुआ था लेकिन उमर वो मेरा इश्तियाल अंगेज हो रहे हैं, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए अभी। यार यार ये देख, ये तो लग रहा ऊपर से किसी ने गिराई है, मेरा लग रहा है कि ये कुर्सी यहां से गई है। हाँ। यहां से गई है ये कुर्सी, इतनी दूर उमर में मेरा ख्याल है हामिद भाई का वेट कर लें या हमें चलना चाहिए, क्योंकि ये मिस्ट्री तब सुलझेगी जब ये पता लगेगा यहाँ पर पहले क्या था। बाहर आ गया यार, एक मिनट उमर आजा मेरा भाई। यार मुझे गश पड़ रहे हैं ये शीशा देख के, यार ये कुछ छोटी मोटी चीजें नहीं है जो हो रही है, ये जानने में भी हो सकता है। ये दो कमरे भरे हुए हैं लड़कों से जो यहाँ से काम करना छोड़ चुके हैं, चले गए हैं यहाँ से। ये उधर वाला वो नहीं खुल रहा था ना, ओए ओए ओ यार, यार ये देखा है यार, ये आंखों के सामने खुली है बराबर। ओए होए होए ये चक्कर है यार, अबे यार ये, ओए होए ये तो हमले होने शुरू हो गए हैं भाई। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए यार, यार ये सही कह रहा है भाई तू, यहां से निकलना चाहिए। ये तो चलो जो भी था इसके अंदर है क्या यार, मेरा ख्याल हाथ ना लगा किसी चीज को, मेरा ख्याल कोई ख्याल अंगेज हो गई पूरी चीजें यार भाई, ये प्रॉपर डायरेक्ट हमले हो रहे हैं यार, मेरा ख्याल चलना चाहिए अब। यार निकले फिर समझ में आया यार मेरे को, मैं हमें चलना चाहिए। यार ये खोल के देखे इसके अंदर है क्या यार, उमर किसी चीज को हाथ ना लगाए यार, खोल के तो देखना नहीं, चाहिए नहीं यार। नहीं मेरा नहीं ख्याल ऐसा करना चाहिए यार, तू देख पहले अलमारी खुली है और यही वाला शॉपर बाहर आके गिरा है,
यार मैं इस मर क्या कहता है, इसे खोल के देखना चाहिए। नहीं नहीं यार, मैं तो कह रहा हूँ खोल के देख। अल्लाह अकबर यार, उमर मेरा ख्याल चले यार, ये कैसे गिर गई? उमर मेरा ख्याल चलना चाहिए यार। यार वो तो देख बोतल गिरी है यहाँ से खुद ही। हम जिस मैंने देखी है, जिस काम के लिए हम आए हैं ना, वो चीज देख ली, वो सारी चीजें हमारे साथ हैपनिंग हो रही है यार। यार मस्ट हैव टू गो नाउ, कम से कम देखो तो सही क्या है क्या चीज। यार जो है इस कमरे में है यार, ये चॉपर गिर रहा है, ये बोतल गिर रही है। नहीं बात तेरी भाई बिल्कुल सही है, मैं एडमिट कर रहा हूँ चीजें इंटेंसिव हो गई है, बाकी मैं नहीं यार। निकल यार, निकलो यार उमर, निकलो, बंद कर दे यार कैमरे, निकलो यार।